तैयारी को लेकर जहां केंद्र सरकार पर ये नए नए आरोप लगते हैं कि उन्होंने हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी नहीं दी है, तो इसी बेरोजगारी को कम करने के लिए और नए नए युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के लिए और इस काम में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं में एक योजना है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें मैं आपको बताऊं कि युवा जो होते हैं जो नौकरी करना चाहते हैं या फिर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि उन्हें कोई हाई क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया तो वो युवा भी इसमें रोजगार पा सकते हैं। मैं सीधे लेके चलता हूँ आपको जो इस इंस्टीट्यूट के संयोजक हैं या फिर इंस्टीट्यूट में कार्यरत हैं और उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर इस योजनाओं में या फिर युवाओं को किस तरह से रोजगार मिलता है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम जी। मेरा नाम प्रियांक अडवाणी है, मैं यहाँ पे VTC इंचार्ज हूँ। बेसिकली हमारी जो संस्था है वो प्लास्टिक के फील्ड में आपको ट्रेन करती है, वो आपको बताती है कि प्लास्टिक खराब नहीं है, हम आपको डिफरेंट जितने भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट हैं वो कैसे बनाए जाते हैं ये सिखाते हैं। उनको सिखाने के बाद जिन कंपनियों में ये काम होता है जहाँ पर इन प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, जैसे टाटा हुई, रेडियंट हुई, इन सभी जगहों पर आपको हम जॉब प्रदान करते हैं। तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है कि जो जॉब से खाली है, क्योंकि अभी हमने सर्वे कराया था तो 1,000,000 मशीन ऑपरेटर की आज भी रिक्वायरमेंट है इंडिया में और हमारे पास सिर्फ 20,000 लोग हैं। तो जितना ज़्यादा इसमें हम आएंगे उतने ज़्यादा ही हम उसमें जॉब करेंगे। स्कोप है कि जहाँ 1,000,000 की रिक्वायरमेंट और वहीं 20,000 केवल हैं और इसमें कहीं ना कहीं देखा जाता है कि एक भारी मात्रा में युवाओं की जो कि ज़रूरत है। मैं बात करना चाहूँगा सर, इसमें एडमिशन लेने के लिए ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है और युवाओं को एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ता है और जो 10वीं पास या 12वीं पास नहीं है वो किस तरह से अपना रोजगार पाने के लिए इसमें एडमिशन लें? बिल्कुल सर, हमारा इंस्टीट्यूट मुरथा सोनीपत हरियाणा में स्थित है। ये दिल्ली रीजन या आप जितने भी NCR रीजन है ये सभी को कवर करता है। कोई भी छात्र जो भी 10वीं पास नहीं है या 12वीं पास नहीं है या जिसकी फैमिली इनकम इतनी नहीं है कि वो अपनी हायर क्वालिफिकेशन कर सके, तो वो हमारे इंस्टीट्यूट में डायरेक्टली आ सकता है, फॉर्म भर सकता है। हमारे यहाँ डिफरेंट स्कीम के द्वारा उनको फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है, हम कोई भी फीस उनसे पे नहीं करवाते, सब कुछ फ्री है, उनका रहना खाना ट्रेनिंग सब कुछ आपको फ्री प्रोवाइड होता है। हॉस्टल कहाँ है आपके? जी सर, हमारा मुरथा सोनीपत में ही हॉस्टल है, 500 बेडेड हमारा बॉयज हॉस्टल है और 100 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल है हमारे पास। कितनी संख्या में आप ले सकते हैं, हॉस्टल कितना बड़ा है, कितनी संख्या में युवा वहाँ पर आ सकते हैं? जी हमारे पास लगभग 750 बालकों के लिए छात्रावास है और 200 छात्राओं के लिए छात्रावास है। मतलब हर 3 महीने का रहता है, हर 3 महीने बाद वहाँ पर नए युवा आ सकते हैं? बिल्कुल सर, हर 3 महीने बाद नए युवा वहाँ पे आते हैं और रोजगार पाने के लिए ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। प्लास्टिक से संबंधित ये इंस्टीट्यूट है तो मैं पूछना चाहूंगा कि प्लास्टिक पर बैन लगाने की बात करिए सरकार, जो प्लास्टिक बैग है, प्लास्टिक पॉलिथीन है, कहीं उनको लेकर तो इसमें कुछ नहीं? सर, प्लास्टिक पे हम बेसिकली पॉलिथीन पे नहीं सिर्फ ट्रेन देते, प्लास्टिक तो हमारे पूरे शरीर में है, हमारी स्किन अभी प्लास्टिक ही है, तो प्लास्टिक पे तो बैन नहीं लगाना है। हम उनको अवेयर करते हैं कि कैसे हम उसको सही तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक क्या ना अवेयरनेस नहीं है कि हमें उसको डस्टबिन में डालना है, सफाई रखनी है, हम जहाँ यूज करते हैं वहाँ उसको फेंक देते हैं, तो इसकी ऐसा ना हो यही उसको सिखाया जाता है ताकि वो औरों को सिखाएं। और इस चीज को मेनली है कि पॉलिथीन का यूज जो हम बेकार कर देते हैं उसको कैसे यूजफुल बनाया जाए। बिल्कुल सर, बात करता हूँ इनके दूसरे सहयोगी से, मैं पूछना चाहूंगा कि इस बारे में और जानकारी लेते हैं कि जो घर पर बैठे युवा है, हमारा खास प्रोग्राम है उनके लिए है जो 10वीं पास नहीं है, 12वीं पास नहीं है और जो घर पर रोजगार पाने के अवसर देखते हैं, रोजगार पाने के लिए भटकते हैं, तो उनके लिए ये सही मंच है। मैं पूछना चाहूंगा सर आपका नाम? बिल्कुल सर, मेरा नाम आदर्श तिवारी है सर, मैं यहाँ पर ट्रेनर एसोसिएट है, मैं बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। मैंने अपने 3 साल के करियर में बहुत से बच्चों को ट्रेनिंग दिया है। यहाँ पर बच्चे आते हैं, गर्ल्स भी आते हैं और बॉयज भी आते हैं। लड़कियों को बहुत अच्छा कदम मिलता है इंडस्ट्री में आने का, क्योंकि मुझे बहुत सी ऐसी लड़कियां मिली हैं जो अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी थी और गांव में एक गरीब परिवार से रह रही थी, लेकिन वो घर से कभी बाहर नहीं निकली थी और उन्होंने प्लास्टिक का कोर्स किया और इंडस्ट्री में गई और वहां पर आज जाकर क्वालिटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पर काम कर रही है। वो काफी ज्यादा खुश है। हमारे पास और भी जो लड़कियां आती हैं और लड़के आते हैं, वो जो आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं होती, इनके घर पर इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मंच है। आजकल हमारी अगर आप पूरी दिनचर्या में देखें तो 80-90% चीजें प्लास्टिक की हैं। प्लास्टिक का किस तरीके से प्रोसीजर होता है, किस तरीके से प्लास्टिक बनाया जाता है, कौन कौन से मेटेरियल्स का प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीजें हम इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉलेज में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग में सिखाते हैं और बच्चे काफी फैसिलिटीज भी हम लोग सारी प्रोवाइड करवाते हैं उनको, किट डिस्ट्रीब्यूशन भी देते हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे भी आए हुए हैं जिनका प्लास्टिक मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि ये योजना जो लाई है केंद्र सरकार, ये कब से चल रही है?
ये सर सरकार ने काफी पहले से चला रखी है, लेकिन जब से प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से ये इसका लेवल कुछ थोड़ा हाई आया है, जिससे हाई लेवल आया हुआ है, जिससे बच्चों की ज्यादा रोजगार मिला है ज्यादा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो सरकार ये कहती थी कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी, तो वो इस कदम में उन्होंने कदम बढ़ाया है, इस योजना के तहत कदम बढ़ाया। जो घर बैठे युवा हैं, लड़कियां हैं, जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, जो रोजगार के अवसर से छूट जाते हैं, तो उन्हें एक रोजगार का अवसर दिया जा रहा है। बिल्कुल सर, इस कदम से एक बहुत बड़ा मंच रोजगार के लिए भरा हुआ है, जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। मेरा मानना है कि जहां तक है इससे लड़के और लड़कियां सभी लोगों के लिए रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा मंच, एक बड़े लेवल पर एक मंच है। इंस्टीट्यूट में होते हैं वो 3 महीने का पीरियड है, 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो ऑफिसों में उनकी जॉब लग जाती है, तो किस तरह के मतलब में इंडस्ट्रीज होती है? इंडस्ट्री में जाते हैं सर, टाटा कंपनी हुई हमारी और रेडिएंट कंपनी हुई, इनमें बड़ी बड़ी जो जितनी भी मोटर्स कंपनियां होती है, प्लास्टिक इंडस्ट्री से ऑटोमोबाइल हुई, एग्रीकल्चर फील्ड में हुआ, मेडिकल फील्ड में हुआ, यहाँ पर बच्चों का जॉब लगता है। फिर पहले तो मशीन ऑपरेटर पे जाते हैं, वो मशीन को ऑपरेट करते हैं, फिर वो सुपरवाइजर बनते हैं, फिर इंजीनियर्स बनते हैं, जिस दिन ब दिन वो जैसे अपना एक्सपीरियंस के साथ साथ वो ग्रोथ करते हैं और वहाँ पर एक्सपीरियंस के साथ साथ प्रमोशन लेते हैं। अगर मैं कम से कम उनकी सैलरी की बात करूं, तो जो युवा यहाँ से ट्रेनिंग करके जाते हैं वो ठीक ठाक मतलब अपना वेतन उन्हें मिल जाता है? ठीक ठाक नहीं सर, वो बहुत अच्छा स्टार्टअप करते हैं, 8 घंटे का हावर्स होता है, उसमें 12,000 रुपए उनका मिनिमम होता है, 12 से ज्यादा फिर उनका एज अ फ्रेशर उनको 12,000 मिलता है, फिर उनके परफॉर्मेंस भी वेस्ट करता है कि इंटरव्यू में किस तरह की परफॉर्मेंस है, लेकिन 12,000 मिनिमम हम बच्चों को रखते हैं। शुक्रिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि उन छात्रों के पास, छात्र छात्राओं के पास जो इस इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं और अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए वो कंपनीज में कार्यरत हैं, और पहले से ही वो भी इस इंस्टीट्यूट में आए थे और उन्होंने एडमिशन लिया था और उसके बाद वो कंपनीज में कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा मैम, आपका नाम? लकी। और दीक्षा। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने यहाँ पर कब एडमिशन लिया इस इंस्टीट्यूट में, और आप कहाँ पर काम कर रहे हैं? मैंने इसमें 3 मंथ्स पहले एडमिशन लिया था, अब मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, अब हमारा प्लेसमेंट हुआ है नोएडा दिल्ली में। कहीं भी जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो सभी का प्लेसमेंट होता है, और बहुत अच्छा कोर्स है जिन बच्चों के लिए जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते पढ़ना, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो इस कोर्स को करके अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि इसमें 100% प्लेसमेंट है, तो इसलिए ये कोर्स अच्छा है, सभी को करना चाहिए, जो नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए तो स्पेशली बहुत अच्छा है। बेसिकली वो है जो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं और वो नौकरी का जो अभाव होता है वो जल्दी से मतलब 8वीं 10वीं करके जल्दी से नौकरी पा सकते हैं। जी, 8th मांगा है इसमें, एज लिमिट है बस, उसके बाद में आप जो भी जॉब जहाँ भी आपको प्लेसमेंट करानी है आप प्लेसमेंट करा के अपनी नौकरी कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। जो ये प्लास्टिक फील्ड से रिलेटेड है तो इसमें स्कोप भी बहुत ज़्यादा है और प्लेसमेंट में जब बेनिफिट भी बहुत है इसको। चलिए मैम, अब हम दूसरे छात्रा के पास चलते हैं जो इसी इंस्टीट्यूट की हैं और वो कहीं कंपनी में काम कर रही हैं। मैम आपको बताइए इस फील्ड में आगे बहुत अच्छा फायदा है, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते, जो मतलब पढ़ सकते पढ़ने के लिए चाहते हैं, उनके माँ बाप उन्हें पढ़ा नहीं सकते, कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं घर में, तो वो इस कोर्स को जरूर करें, और इस कोर्स को करने के बाद आप अपना कोर्स करने के बाद फील्ड में अच्छी से भविष्य उज्जवल बना सकते हैं, अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। एक और हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप नाम बताओ। सर, मेरा नाम विशाल कुमार है, मैं मुरादाबाद यूपी से हूँ। आपको कितने टाइम पहले आपने इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और अब आप कहाँ पर काम कर रहे हैं? मैंने 3 महीने पहले एडमिशन लिया था, NSQDC की तरफ से स्कीम थी, जो हमारे आदर सर हैं उन्होंने हमें बताया था कि ये स्कीम है, और इसमें कोई इतना ग्रेजुएट नहीं मांगा है कि मतलब कि ज़्यादा ग्रेजुएट हो, 8वीं पास बच्चा होना चाहिए ये ग्रेजुएट करने के लिए। इसमें स्कोप बहुत है, फ्यूचर काफ़ी हमारा भी, अभी प्लेसमेंट हुआ है नोएडा में, हमने हमारा कोर्स खत्म हो चुका है, वहाँ पर इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है, रहना खाना सब कुछ फ्री है, तो हमारे आदर सर वहाँ पर आए थे, उन्होंने हमें स्कीम के बारे में बताया था, तो हमने फिर सोचा। आप ये सोचते हैं कि आके इस इंस्टीट्यूट में आके जो युवा पढ़ाई छोड़ चुके हैं और जो जिन्हें जल्दी नौकरी की तलाश है वो इंस्टीट्यूट के जरिए अपना भविष्य उज्जवल बना सके? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्कीम है, मैं तो कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करा जाए, और स्पेशली ये सफाई कर्मचारी के बच्चे के लिए हैं, तो वो लोग ज़्यादा जगह यूज़ करें तो ज़्यादा। सफाई कर्मचारी के बच्चे नहीं है तो नहीं कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं ये, लेकिन एक ऑफर है सरकार की तरफ से, हाँ, कि NSL सफाई कर्मचारी के बच्चे जो हैं उनकी तरफ से। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से भारत में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर बार बार मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इस योजना में तेजी आई है, और आप भी, ये हमारा प्रोग्राम उन खास बच्चों के लिए है, खास युवाओं के लिए है जो अभी घर पर बैठे हैं, जो पढ़ाई पूरी ना कर पाने के चक्कर में जिन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा, तो वो यहाँ इंस्टीट्यूट में आकर, ये इंस्टीट्यूट आप देख सकते हैं, यहाँ पर आकर वो अपना इसमें एडमिशन लेकर भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर,
वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।